नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई और बहनों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना 2023 के तहत आ चुकी है बड़ी वैकेंसी। अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो आपको भी मिलेगी एक सरकारी जॉब, यानी कि आपके परिवार के एक सदस्य को मिलेगा सरकारी जॉब। एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के तहत बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। एक परिवार एक नौकरी योजना के अंतर्गत देश के युवाओं को नौकरी यानी कि रोजगार देने के लिए यह योजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत सिर्फ उन्हीं परिवारों को लाभ मिलेगा जिनके परिवार में से पहले कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी नहीं करता हो। अगर आपके परिवार में से कोई व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी नहीं करता है तो आपको इसका बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। जैसा कि अगर एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के तहत आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म भी इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। कैसे आपको डाउनलोड करना होगा और कब तक इसकी लास्ट डेट हो है, उससे पहले आपको फॉर्म आवेदन करना होगा। क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, तो उनके बारे में आपको बताएंगे पूरी विस्तार से जानकारी। वीडियो अंत तक देखते रहिएगा, जानकारी आपके लिए बेहद ही काम की होने वाली है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आपके परिवार में से कोई भी व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी नहीं करता हो तो ही इसमें आप आवेदन कर पाएंगे। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, क्योंकि अब एक परिवार एक सरकारी नौकरी एक ही सरकारी योजना है जो पूरे देश में अब लागू की जा रही है। इसके तहत गरीब परिवार है जो सरकारी जॉब है वो नहीं करते, उनके परिवार में से कोई भी व्यक्ति सरकारी जॉब नहीं करता है तो उनको इसका लाभ दिया जाएगा। एक परिवार एक नौकरी योजना 2023 के तहत महिला पुरुष दोनों के लिए बड़ी भर्ती होने वाली है। इसमें पदों का विवरण जिस तरह रहेगा, जैसा कि शिक्षक है, सहायक है, सचिव है, और यहाँ पर आपका वेतन रहेगा 47,000 रुपये तक, जो यानी कि आपका रहने वाला है वेतन। योग्यता रहेगी 8वीं 10वीं और 12वीं पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या 80,000 होने वाली है और बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर आपकी भर्ती होगी, कोई आपका यानी कि परीक्षा नहीं होगी। बिना यानी कि परीक्षा सीधे इंटरव्यू के आधार पर यह भर्ती आपकी होने वाली है। ऑल इंडिया जो भी आप इंडिया के किसी भी कोने से रहने वाले हैं तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप एक परिवार एक सरकारी योजना के तहत आप यानी कि आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए 80,000 पदों के लिए रोजगार समाचार है जो प्रकाशित किया गया है। सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि अगर एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के तहत भर्ती के निर्धारित योग्यताओं को पूरा करते हैं तो उसे अंतिम तिथि से पहले आवेदन बिल्कुल ही जरूरी कर लेना है। ये 20,000 पद रहेंगे, ग्राम सचिव के लिए 22,000 पद होने वाले हैं। जैसा कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो सहायक 8वीं पास होना चाहिए, सचिव 10वीं पास होना चाहिए, शिक्षक 12वीं पास होना चाहिए। यहाँ पर महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए उपलब्ध है। बात करते हैं आपकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपका ग्राम सहायक 18 से 45, ग्राम सचिव 18 से 40, शिक्षक है जो 18 से 35 साल, तो आप इसमें महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। वेतन स्केल के बारे में बात करें तो आपका वेतन शिक्षक के लिए 40,000 रुपये, ग्राम सहायक 35,000, ग्राम सचिव 47,000 रुपये। सभी पदों के लिए जो महिलाएं हैं जो ओबीसी एससी और एसटी वर्ग से संबंधित, उनको 5 साल की आयु सीमा छूट भी दी गई है। अब बात करते हैं आपके जरूरी दस्तावेज कौन से होने चाहिए। जैसा कि आपका आईडी कार्ड भी होना चाहिए, आधार कार्ड, जैसा कि वोटर आईडी कार्ड, पहचान पत्र आईडी कार्ड में आपके होने चाहिए। बात करें तो अगले यानी कि आपके डॉक्यूमेंट की, तो आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज फोटो आपका होना चाहिए, और पासपोर्ट यानी कि आपके जो फोटो है वो होना चाहिए पासपोर्ट साइज की, और शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। बात करें एक परिवार एक सरकारी योजना के लिए जरूरी आपकी पात्रता क्या होना चाहिए। एक परिवार एक नौकरी योजना के अंदर केवल उसी परिवार के व्यक्ति को इसका फायदा दिया जाएगा, वही आवेदन कर सकता है जहाँ कोई भी अन्य व्यक्ति उसके परिवार में से सरकारी पद पर ना हो। आवेदक की उम्र 18 से 55 साल के बीच में होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक के परिवार में से कोई भी सदस्य पहले से सरकारी नौकरी नहीं करता हो। आवेदक के पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके परिवार की आय भी कम होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवेदक के पास निवास प्रमाण पत्र या फिर राशन कार्ड भी होना चाहिए। एक परिवार का सिर्फ एक ही व्यक्ति इसमें आवेदन कर पाएगा। शिक्षित युवाओं को रोजगार देने के लिए ये योजना अपनाई गई। आवेदन करने की प्रक्रिया, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन आप नजदीकी मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना के आवेदन करने का कोई शुल्क आपका नहीं लगेगा, क्योंकि एकदम सरकार के द्वारा आपको यानी कि बहुत अच्छा तोहफा दिया जा रहा है, कोई आपका आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला है। अब भारतीय आप किसी भी राज्य से रहने वाले हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने से रहने वाले हैं तो इसमें आप आसानी से, अगर 8वीं 10वीं और आपके पास महिला पुरुष है, आपकी अगर एज 18 से 55 साल के बीच में है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन तिथि रहेगी 22 जुलाई से ही आवेदन शुरू।